हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट साड़ी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। साड़ी जो हमारे भारत की पहचान है, जो हमारे भारतीय नारी की पहचान है, जिसे भारत में 100 अलग अलग तरीकों से पहना जाता है। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में साड़ी का इन्वेंशन हुआ ही नहीं? क्या हुआ, शौक हो गए? मैं भी हो गई थी। तो चलिए अब हम आपको कुछ साड़ी के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत चौंका देंगी। बात यह है कि अगर भारतीय ने साड़ी का शुरुआत किया ही नहीं, भारत से साड़ी आई ही नहीं, तो आखिर साड़ी की शुरुआत हुई कैसे और शुरू किसने की? तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। ग्रीक पर्सन सेलिकस निकेटर की बेटी की शादी हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी। वो अपने साथ 5 से 9 मीटर का फैब्रिक लेके आई थी, जिसे ग्रीक में चिट्टॉन नाम से जाना जाता है। हेलेना से प्रेरित होके इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोगों ने साड़ी की बनावटें शुरू कर दी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ये साड़ी कुछ 3 टुकड़ों में पहनी जा रही थी। फिर ये धीरे धीरे फेमस होती गई और ये 3 टुकड़ों की साड़ी 1 टुकड़ों में बदल गई, और इस 1 टुकड़े की लंबाई 5 से 9 मीटर होती थी, जिसे लोगों ने इतना ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे फेमस होती गई। और संस्कृत में साड़ी का अर्थ होता है कपड़े का टुकड़ा। ब्रिटिशर्स के टाइम पे पेटीकोट और ब्लाउज का चलन नहीं था। फिर उसके बाद ज्ञानद नंदिनी देवी ने ब्लाउज और पेटीकोट को इन्वेंट किया और उन्होंने इस साड़ी को पूरा एक मॉडर्न रूप दे दिया। उसके बाद साड़ी अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग कलर्स और बहुत ही वैरायटीज़ में देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले के समय में साड़ी को हल्दी और इंडिगो डाई से डाई किया जाता था, और सबसे अच्छी बात तो ये है आज भी यही तरीका अपनाया जाता है साड़ी को कलर करने के लिए। समय के साथ साड़ी को पहनने का तरीका काफ़ी बदल गया है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया। आपने देखा होगा बॉलीवुड में पहले की मूवीज़ और आज की मूवीज़ में साड़ी का पहनने का तरीका काफ़ी बदल गया है, चाहे फिर वो मुमताज़ की ऑरेंज आइकॉनिक साड़ी हो या फिर माधुरी दीक्षित की हम आपके कौन हैं से पर्पल साड़ी हो। मैं हूँ ना मूवी में सुष्मिता सेन की साड़ी से लेकर ये जवानी है दीवानी की दीपिका की साड़ी, ये सब अपने में एक अहम रही हैं। और आज भारत में साड़ी का कारोबार कुछ 1500 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। साड़ी द्रौपदी से लेके दीपिका तक हमेशा एक अहम हिस्सा रहा है और भारत की संस्कृति सभ्यता को हमेशा बढ़ावा दे रहा है। तो चाहे भले ही साड़ी की शुरुआत किसी भारतीय ने ना की हो, लेकिन साड़ी हमेशा भारत के नाम से ही जानी जाएगी। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।